रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन टू। भारत की आजादी के लिए असंख्य लोगों ने योगदान व बलिदान दिया था, लेकिन यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम सिर्फ कुछ ही क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सिर्फ भारतीय क्रांतिकारियों ने ही नहीं, बल्कि कुछ अंग्रेजों ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन में हिस्सा भी लिया। एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन टू में हम ऐसे ही क्रांतिकारियों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। आज हम जिन क्रांतिकारी की बात करने वाले हैं उनका नाम है विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न वास्तव में एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका जन्म 15 फरवरी 1838 को एबरडीन स्कॉटलैंड में हुआ था और बाद में उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशाधिकारी के रूप में सिविल सेवा का काम किया। वेडरबर्न का योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य रूप से उनके आवाजीकरण से भारतीय हितों का समर्थन करने और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के साथ सहयोग से था। विलियम वेडरबर्न दादा भाई नौरोजी के निकट सहयोगी और मित्र थे, जो एक प्रभावशाली भारतीय राष्ट्रवादी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य सदस्य थे। नौरोजी ब्रिटिश सांसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। वेडरबर्न और नौरोजी ने साथ मिलकर ब्रिटिश द्वारा भारत में किए जाने वाले आर्थिक शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाई। वेडरबर्न ने सक्रिय रूप से 1855 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश राज से भारत की आजादी के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठनों में से एक बन गई। यह संगठन मध्यम आवश्यकताओं के साथ शुरू होते हुए भविष्य के आंदोलन के लिए मूल नींव साबित हुई, जो अंततः भारत की आजादी की दिशा में ले गई। वेडरबर्न ने ब्रिटिश सिविल सेवा में अपना पदस्थान और ब्रिटेन में अपने संपर्कों का उपयोग करके भारतीय शिकायतों को ब्रिटिश ऑफिसर्स के ध्यान में लाने के लिए सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने आर्थिक शोषण, भेदभावपूर्ण नीतियों और भारतीय नागरिकों को अधिकार न देने जैसे मुद्दों को उजागर किया, जिससे कुछ ब्रिटिश समाज के वर्गों में भारत के प्रति सहानुभूति और समर्थन निर्माण हुआ। वेडरबर्न भारत में शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर थे। उन्होंने भारतीयों को शिक्षा और सिविल सेवाओं तक पहुंचने के लिए अधिक अवसर बनाए। उनके प्रयास ने भारत में शिक्षा के महत्व को बढ़ाया, जो भारत के स्वतंत्रता के मार्ग में बहुत ही बड़ा योगदान साबित हुआ। कॉलोनियल प्रशासन का हिस्सा होने के बावजूद वेडरबर्न ने भारत में साम्राज्यवाद के कुछ पहलुओं पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने उन नीतियों के बारे में अपनी चिंता को व्यक्त किया जो देश में गरीबी और असमानता को बनाए रखने का काम कर रही थी, और भारतीय विषयों के अधिक सामान्य व्यवहार की मांग की। ये महत्वपूर्ण है कि विलियम वेडरबर्न और कुछ अन्य ब्रिटिश व्यक्तियों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया, हालांकि भारत की आजादी का प्रमुख श्रेय भारतीयों को जाता है। वेडरबर्न जैसे ब्रिटिश सहानुभूतियों के योगदान ने जागरूकता पैदा की और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन और भारतीय समाज के कुछ अंशों के बीच संबंध बनाने में मदद की। हालांकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम सफलता स्वयं भारतीयों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों और बलिदानों का परिणाम था, पर वेडरबर्न जैसे क्रांतिकारियों का नाम भी भारत के आजादी के इतिहास में बना रहेगा। तो ये थी विदेशी क्रांतिकारी विलियम वेडरबर्न की कहानी। आप सुन रहे थे एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन टू, ओनली ऑन रेडियो सिटी। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स एक क्रांतिकारी ऐसा भी सीजन टू।